इस वीडियो में हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने डोमेन कंट्रोलर पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, जिसको हमने नाम दिया था नेटवर्क इंजीनियर्स का। वो ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पे लॉगिन करके डोमेन कंट्रोलर पे आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, जिसको हमने नाम दिया था नेटवर्क इंजीनियर का, उसमें हमने एक यूज़र बनाया था जिसको हमने नाम दिया था न्यू इंजीनियर वन का। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें फायरवॉल पे सिर्फ इसी ग्रुप को एक्सेस देनी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी फायरवॉल को सिर्फ ये ग्रुप के मेंबर, नेटवर्क इंजीनियर ग्रुप के मेंबर ही एक्सेस कर सकें, बाकी और कोई ग्रुप के मेंबर इसको एक्सेस ना कर सकें। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक बार बता देता हूँ। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी लैब है, ये हमारी डोमेन कंट्रोल की मशीन है जो कि हमारे VM पे कन्फिगर है, और इसको मैंने IP 192.168.1.2 दिया है। इस डोमेन कंट्रोलर पे मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसको नाम दिया है नेटवर्क इंजीनियर का। उस ग्रुप में हमने एक यूज़र बनाया जिसको हमने नाम दिया है न्यू इंजीनियर वन का। अब FortiGate फायरवॉल पे हमने LDAP सर्वर पे जाके अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर को हमने ऐड करा दिया। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम उस यूज़र को हमें ऐड कराना है, उस सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड कराना है, ताकि उस सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर फायरवॉल को एक्सेस कर सकें। तो ये आपको दिखा देता हूँ, ये हमने इस डोमेन कंट्रोलर को ऐड कराया था यहाँ से यूज़र ऑथेंटिकेशन में जाके। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन अपने लास्ट वीडियो में करी थी, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यूज़र ग्रुप में जाते हैं। यूज़र ग्रुप में जाने के बाद क्रिएट न्यू करते हैं। क्रिएट न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस ग्रुप का नाम दे देना है। हम नेटवर्क इंजीनियर दे देते हैं, क्योंकि हमने डोमेन कंट्रोलर पे भी इसी नाम से हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको रिमोट ग्रुप, यहाँ पे आपको उस ग्रुप को ऐड कराना है। रिमोट सर्वर में आपको यहाँ पे अपने डोमेन कंट्रोलर को सेलेक्ट करना है, rampurall.com। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डोमेन कंट्रोलर में जितने भी OUs हैं, जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप हैं, वो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमारे यूज़र्स या मैनेजर, ये हमने सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप सेल्स हमने बना रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर भी दिखेगा। ये नेटवर्क इंजीनियर जो हमने यहाँ पर बनाया था विंडो सर्वर पे, इस डोमेन कंट्रोलर पे हमने इस सिक्योरिटी ग्रुप को बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, रोल्स में जाके एक्टिव डायरेक्टरी एंड सर्विस डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज, यूजर्स एंड सर्विसेज, उसके बाद आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको OU सेलेक्ट करना है। OU हमारा न्यू टीम था, सबसे पहले हमने OU बनाया था। उस OU के अंदर हमने इस सिक्योरिटी ग्रुप को, नेटवर्क इंजीनियर्स को बनाया था। ये आपका नेटवर्क इंजीनियर है, तो ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे आपको फायरवॉल पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं नेटवर्क इंजीनियर। आपको राइट क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड करना है। सेलेक्टेड करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे, ये ग्रुप आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। आप देखेंगे ग्रुप नेम में आपको दिखा रहा है कि ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका नाम है नेटवर्क इंजीनियर। ये किस OU के अंडर में है? न्यू टीम के अंडर में है। और डोमेन आपकी कौन सी है? डोमेन कंट्रोलर है आपका rampurall.com। आपको मैं अगर एक बार डोमेन कंट्रोलर पर दिखाऊं, तो ये आपकी डोमेन कंट्रोलर है rampurall.com। इसके अंदर एक OU है न्यू टीम, उस OU के अंदर एक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका नाम है नेटवर्क इंजीनियर। तो ये आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको एडमिन प्रोफाइल बनानी है। एडमिन प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट आपके फायरवॉल पे बनी है सुपर एडमिन की। सुपर एडमिन प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि आपको सब कुछ यहाँ पे रीड ऑन राइट की एक्सेस होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके ये ग्रुप के मेंबर, नेटवर्क इंजीनियर ग्रुप के मेंबर फायरवॉल को एक्सेस करें, बट इनके पास सिर्फ रीड ओनली की एक्सेस हो, ये इस पर कोई चेंज ना कर सके, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे एक नई प्रोफाइल बना सकते हो, क्रिएट न्यू प्रोफाइल। उस प्रोफाइल को कुछ भी नाम दे सकते हो आप, फॉर नेटवर्क इंजीनियर, फॉर नेटवर्क इंजीनियर। आप चाहते हो कि ये सब रीड कर सकें, तो यहाँ पे आप रीड की परमिशन दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये रीड करने के बाद राइट भी कर सकें, चेंज भी कर सकें, तो ये भी आप यहाँ पे रीड एंड राइट की दे सकते हो। तो ये आप एक प्रोफाइल बना सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट सुपर एडमिन की एक प्रोफाइल बनी है यहाँ पर, जिसमें आपको रीड एंड राइट की एक्सेस होगी। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर में जाके एक नई प्रोफाइल बनानी है, जिसको आपको नाम दे देना है। नाम हम दे देते हैं नेटवर्क इंजीनियर का ही, नेटवर्क इंजीनियर। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपके वो यूज़र आए, उसको मैच कहाँ से करें? जो आपका यूज़र इस फायरवॉल पे लॉगिन करेगा, वो किस सिक्योरिटी
से मैच करेगा, वो लोकल फायरवॉल के से मैच करेगा डेटा से, या वो रिमोट सर्वर से मैच करेगा। तो हम यहाँ पे मैच ऑल यूज़र इन अ रिमोट सर्वर ग्रुप कर देते हैं, जो कि हमारा रिमोट सर्वर LDAP का सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल कौन सी कॉल हो जाए, आप चाहो तो फॉर नेटवर्क इंजीनियर कर सकते हो जो हमने बनाई है, आप चाहो तो सुपर एडमिन जो बाय डिफॉल्ट बनी है वो भी आप कॉल करा सकते हो। तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैं सुपर एडमिन प्रोफाइल कॉल करा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको सारी की सारी एक्सेस देना चाहता हूँ, चेंज की भी एक्सेस मैं उनको देना चाहता हूँ। उसके बाद रिमोट यूज़र ग्रुप कौन सा रहेगा, जो हमने ऐड कराया था यूज़र एंड ग्रुप में जाके नेटवर्क इंजीनियर का, वो यहाँ पे हम कॉल करा देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस ये ऑप्शन है, आप चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैं एक बार लॉग आउट करके फायरवॉल को एक्सेस करके देखता हूँ, जो मैंने न्यू इंजीनियर वन बनाया था, पासवर्ड test@123। तो ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है, ये एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? उसका रीज़न क्या है कि मैंने इस यूज़र को अभी इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया, न्यू इंजीनियर वन को अभी मैंने इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया नेटवर्क इंजीनियर का। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपको मेंबर ऑफ में जाना है, ऐड करना है यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर में, इसको आपको ऐड कर देना है। तो अब मेरा ये न्यू यूज़र जो है वो नेटवर्क इंजीनियर का मेंबर बन गया। अब दोबारा से फायरवॉल को एक्सेस करके देखते हैं, न्यू इंजीनियर वन test@123। तो आप देख सकते हैं कि ये फायरवॉल अब एक्सेस हो गई, न्यू इंजीनियर के क्रेडेंशियल से मेरे एक्सेस हो गई ये फायरवॉल। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसकी फुल एक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे एक और यूज़र बनाऊँ, मैं यहाँ पे एक और यूज़र बना देता हूँ, यूज़र बना देते हैं हम यहाँ पर एक नया यूज़र, उसको नाम दे देते हैं ABC, और यूज़र नेम ABC1 दे देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, पासवर्ड हम test@123, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब मैं इसको अगर मेंबर बना दूं हमारी सेल्स टीम का, क्योंकि मैंने सेल्स का भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है, अगर मैं इसको सेल्स का मेंबर बना दूं और मैं अब फायरवॉल पे आके इसको एक्सेस करूं, ABC1 test@123, तो ये मेरी फायरवॉल एक्सेस नहीं हो रही है इस क्रेडेंशियल के साथ। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सेल्स का मेंबर है, और सेल्स के मेंबर को मैंने फायरवॉल पे एक्सेस नहीं दिए, मैंने सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर्स के ग्रुप को एक्सेस दिए। अब अगर ये यूज़र को मैं यहाँ से फायर डोमेन कंट्रोलर से जाके ABC इस यूज़र को मैं दोबारा से सेल्स में से रिमूव करके नेटवर्क इंजीनियर का मेंबर बना, नेटवर्क इंजीनियर का मेंबर बना के ओके करके अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अब ये यूज़र फायरवॉल को एक्सेस कर पाएंगे। ABC1 password test@123। तो आप देख सकते हैं कि अब ये फायरवॉल एक्सेस हो रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये अब नेटवर्क इंजीनियर ग्रुप का मेंबर है, और नेटवर्क इंजीनियर ग्रुप के मेंबर को हमने फुल परमिशन दे रखी है फायरवॉल को एक्सेस करने की। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फायरवॉल की लैब थी, AD के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करके देखा। मैं आपको लैब के थ्रू एक बार डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ। इस डोमेन कंट्रोलर पे हमने IP दिया था 192.168.1.2 का, इस पे हमने एक ग्रुप बनाया जिसको हमने नाम दिया नेटवर्क इंजीनियर का। हमने फायरवॉल पे जाके इस डोमेन कंट्रोलर को सबसे पहले ऐड कराया, उसके बाद हमने उस सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड कराया नेटवर्क इंजीनियर का। इस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने एक यूज़र बनाया जिसको हमने नाम दिया न्यू इंजीनियर वन का, और उस यूज़र को हमने मेंबर बना दिया इस ग्रुप का। उसके बाद हमने उस यूज़र से फायरवॉल को एक्सेस करा, और फायरवॉल एक्सेस हो गई। लेकिन हमने एक और यूज़र बनाया ABC1, जिसको हमने सेल्स का मेंबर बनाया था, उससे हमारी फायरवॉल एक्सेस नहीं हो पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि हमने फायरवॉल पे यूज़र्स एंड ग्रुप में जाके सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर को ही अलाउ करा था। तो ये यहाँ तक की लैब आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको फर्दर वीडियोस में जो हमारी फर्दर लैब होगी वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि आपके लिए इस ग्रुप के लिए डिफरेंट पॉलिसी कॉल हो, नेटवर्क इंजीनियर के लिए सेल्स के लिए डिफरेंट पॉलिसी कॉल हो,
आईटी टीम के लिए डिफरेंट पॉलिसी कॉल हो, आप ये भी कर सकते हो। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप चाहते हो कि